नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आज है 2023 की ये प्रथम सुबह। सबको नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाकवि कालिदास ने कहा है, उत्सव प्रियाः खलु जनाः। लोगों को तो बहाना चाहिए उत्सव मनाने के लिए, क्योंकि उत्सव मनाने में उनको आनंद आता है। कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना कि ये आंग्ल नूतन वर्ष है। मैंने गत वर्ष भी ये कहा था कि हमें खाली नूतन वर्ष मनाने के टाइम पे ये याद आता है कि आंग्ल नूतन वर्ष है। हमारी सारी जन्म तारीख से लेके और सैलरी की तारीख से लेके जितनी भी तारीखें हैं, सब हम आंग्ल के हिसाब से मना सकते हैं। भैया, नूतन वर्ष होता है कुछ नए डिसीजन लेने के लिए, कुछ नए निर्णय, कुछ प्रतिज्ञाएं करने के लिए। वर्ष में एक दो बार नहीं, चार बार भी नूतन वर्ष आए ना, तो मना लेना चाहिए। जो हमने इससे पहले प्रतिज्ञा ली हो उसको याद करना चाहिए, और जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी उसको मैंने कितना पूरा किया है, इस बात को भी ध्यान देना चाहिए, इस पे भी विचार करना चाहिए। नहीं तो हमारी स्थिति तो ऐसी ही होती है कि नूतन वर्ष आता है, कोई हमसे कहता है और उसके साथ हम कह देते हैं कि ठीक है, आज से हमने ये निर्णय लिया कि हम ऐसा करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी निर्णय करते हैं कि हम पढ़ेंगे, बहुत सारे बड़े लोग जो हैं वो भी अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ निर्णय करते हैं, लेकिन निर्णय के साथ चलना बड़ा टेढ़ा होता है। तो सबसे मेरा अनुरोध है कि जो भी निर्णय करें उस निर्णय को पालन करने के लिए करें। ऐसा नहीं कि कसमें तो खाई ही तोड़ने के लिए जाती हैं, इस बात के ऊपर ना रहें। फिर से सबको नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान रखिए, जो लोग इस आंग्ल नूतन वर्ष का विरोध करते हैं उनको सबसे पहले अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये काम करने की इच्छा होती है, तो आंग्ल पहरवेश का परित्याग कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो संस्कृति हमारी ज़्यादा अच्छी तरीके से सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा संस्कृति को ना तो पहरवेश से लेना देना है और ना ही तारीखों से लेना देना है। संस्कृति हमारे भारतीय संस्कारों में बसती है, और अगर हम अपने संस्कारों का परित्याग नहीं करते हैं, अगर हम अपने जीवन मूल्यों का परित्याग नहीं करते हैं, तो कोई भी वर्ष हो, कोई भी दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, सबको मनाने में आनंद करना चाहिए। जो कालिदास ने कहा है कि उत्सव प्रियाः खलु जनाः, जब मौका मिले उत्सव मनाइए और आनंदित रहिए। इस नूतन वर्ष की शुभ प्रातःकालीन मंगल वेला में आप भी हमारे साथ ये पीछे बहती हुई नर्मदा नदी का दर्शन कीजिए और आनंदित होइए। मैं आज एक निर्णय कर रहा हूं, मैं इस संपूर्ण वर्ष में ये प्रयास करूंगा कि लोगों के साथ क्रोध में आकर के जो मैं जोर से बोलता हूं उस पे कंट्रोल करूं। आप सब लोग भी अगर कोई ऐसा निर्णय करते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा कि मैंने भी ये निर्णय किया है, मैंने भी ये निर्णय किया है। हम सब मिलकर के अपने अपने निर्णय एक दूसरे को याद दिलाते रहेंगे, और भगवान हमें हमारे लिए हुए निर्णयों को सफल बनाने में शक्ति प्रदान करे और सहायता करे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। पुनः आप सबको इस आंग्ल नूतन वर्ष पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।